हेलो, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें हमने इससे पहले लगभग 6 से 7 वीडियो लेक्चर कंप्लीट किए हैं। हमने उसमें एमपीजीके पढ़ा है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे थे, उन वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का नया टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एमपी से हैं और एमपी की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ना, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही है, आता ही है और पूछा ही जाता है। इस टॉपिक को हम सबसे पहले मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, और मैप के माध्यम से सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद जितने भी शेष पॉइंट बचेंगे, लगभग 30 से ज़्यादा ऐसे प्राचीन नगर है जिनके प्राचीन नाम से उन्हें जाना जाता है और एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बनती है, उसे हम रिविजन के तौर पर उन पॉइंट्स को भी देखेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कह दूँ, हम एमपीजीके के लगभग 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन की सीरीज अपलोड कर रहे हैं, उसे आप जरूर देखें, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। इसलिए वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ें और याद करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमने हिंदी व्याकरण की सीरीज भी स्टार्ट की है, आप वो सीरीज का भी लाभ लें। हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें देखना है मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम। तो हम मध्य प्रदेश के ऊपरी सिरे उत्तर की ओर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं ग्वालियर शहर को। ग्वालियर शहर को प्राचीन नाम गोपांचल और वत्स के नाम से भी जाना जाता है। ग्वालियर शहर को गोपांचल और वत्स दो नामों से जाना जाता है। ये नाम आप ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्वालियर को दो नामों से जाना जाता है, वत्स और गोपांचल। अगला पॉइंट देखते हैं दतिया, जो कि ग्वालियर के ठीक समीप सीमा बनाता है। दतिया जिले को, मध्य प्रदेश के दतिया जिले को प्राचीन नाम दिलीप नगर के नाम से भी जाना जाता है। दतिया को दिलीप नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम दतिया का दिलीप नगर है। अगला पॉइंट देखते हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी को, शिवपुरी जिले को जिसका प्राचीन नाम नरपुर और नरवर के नाम से भी जाना जाता है। शिवपुरी का प्राचीन नाम नरपुर एवं नरवर है। अगला पॉइंट देखते हैं विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा जिला जो कि लगभग यहाँ पर है, विदिशा को बेसनगर दूसरा भेलसा के नाम से भी जाना जाता है। विदिशा को बेसनगर और भेलसा के नाम से भी जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें अगला पॉइंट देखते हैं भोपाल, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है जिसे जिलों की नगरी भी कहा जाता है। भोपाल को दो नामों से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम एक भूताल है जो कि यहाँ पर लिखा है, और दूसरा भोजताल के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल को भूताल एवं भोजताल के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल का प्राचीन नाम ये है, आप ध्यान रखना। अगला पॉइंट है मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला मंदसौर यहाँ पर है। मंदसौर जिले को दशपुर के नाम से भी जाना जाता है, दशपुर लिखा हुआ है। मंदसौर को दशपुर के नाम से भी जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। तो उज्जैन शहर यहाँ पर है। उज्जैन शहर का प्राचीन नाम अवंती है, अवंती के नाम से भी जाना जाता है उज्जैन को, और उज्जैन को उज्जैनी भी कहा जाता था। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंती और उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट है इंदौर, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी और मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई से जाने जाने वाला शहर इंदौर शहर। इंदौर को इंदौर या इंद्रपुर के नाम से भी जाना जाता था। इंदौर का प्राचीन नाम इंदौर और इंद्रपुर भी था। इंदौर के समीप एक छोटा सा शहर है जिसे महू कहा जाता है, और महू का प्राचीन नाम, सॉरी महू का वर्तमान नाम अंबेडकर नगर है, क्योंकि यहाँ पर अंबेडकर जी ने जन्म लिया था। अंबेडकर जी का नगर है, इसलिए इस नगर को अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। वो है महू शहर, जो कि इंदौर के ठीक पास में है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट है धार, मध्य प्रदेश का धार जिला जो कि यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश के धार जिले को एक तो धारा नगरी,
धारा नगरी के नाम से जाना जाता है धार को, और दूसरा आजाद नगर के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि विभाजन से पहले जब झाबुआ जिला बना उससे पहले यहाँ पर झाबुआ जिले का जो भाभड़ा ग्राम है उस ग्राम के कारण यहाँ पर इसे आजाद नगर के नाम से भी जाना जाता है धार को। वैसे अगर देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से झाबुआ को आजाद नगर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने जन्म लिया था झाबुआ जिले के भाभड़ा ग्राम में। लेकिन अगर आपको विकल्प में झाबुआ नहीं मिले तो आप धार को क्लिक करेंगे। इस प्रकार देखें तो धार को धारा नगरी, आजाद नगर एवं सादियाबाद मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक मांडव शहर है इसलिए उसे सादियाबाद मांडव शहर मांडवगढ़ कहा जाता है। अगर मांडव ऑप्शन में आता है तो मांडव क्लिक करना है, और अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो सादियाबाद मांडवगढ़ आए तो धार पर क्लिक करना है। धार को सादियाबाद मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मांडव है जो कि धार जिले में आता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले को महिष्मती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर महिष्मती लगभग खरगोन में महेश्वर में है इसलिए खरगोन जिले को महिष्मती के नाम से भी जाना जाता है, महिष्मती। अगले पॉइंट की बात करते हैं, बुरहानपुर। तो बुरहानपुर का प्राचीन नाम बुरहानपुर इस लोकेशन पर है। बुरहानपुर का प्राचीन नाम खानदेश है। बुरहानपुर का प्राचीन नाम खानदेश है, खानदेश। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट है रायसेन। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले को काकनाथ बाग के नाम से भी जाना जाता है, काकनाथ बाग। काकनाथ बाग रायसेन जिले को कहा जाता है, और ये काकनाथ बाग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सांची एक छोटा सा ग्राम है, सांची का स्तूप है और ये फेमस है, इसलिए रायसेन जिले को काकनाथ बाग के नाम से भी जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट है दमोह। दमोह का प्राचीन नाम टुंडीकर कहा जाता है, दमोह का प्राचीन नाम टुंडीकर कहा जाता है, और ये एक प्राचीन जनपद भी रह चुका है यह शहर, और इसे टुंडीकर नाम से जाना जाता है, टुंडीकर प्राचीन जनपद। अगले पॉइंट की बात करते हैं, मंडला। मंडला जिले को मंडला जिले का प्राचीन नाम गढ़मंडला है, मंडला जिले का प्राचीन नाम गढ़मंडला या गोंडवाना भी कहा जाता है। मंडला जिले का प्राचीन नाम गढ़मंडला और गोंडवाना दोनों ही नाम से जाना जाता है, नाम ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट है जबलपुर। जबलपुर को त्रिपुरी के नाम से भी जाना जाता है और तेवर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना जबलपुर को तेवर और त्रिपुरी दो प्राचीन नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट है रीवा। रीवा जिले को रीवा जिले को भता के नाम से भी जाना जाता है, भता लिखा हुआ है ये, रीवा जिले को भता के नाम से भी जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट है छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को चेदी के नाम से भी जाना जाता है, छतरपुर जिले को चेदी के नाम से भी जाना जाता है, और एक पॉइंट और है कि छतरपुर जिले में एक प्रसिद्ध स्थल खजुराहो है जहाँ पर कई मंदिर है, और इस कारण खजुराहो के कारण छतरपुर जिले को खजुरवाहक के नाम से भी जाना जाता है, खजुरवाहक। खजुरवाहक कहा जाए तो याद रखना छतरपुर को कहा जाता है खजुरवाहक। इस तरह हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि हम लगभग कभी पढ़ नहीं पाते और हमने कभी सुने भी नहीं है, तो आइए हम उन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं और रिवीजन के तौर पर इन पॉइंट्स को भी हम कवर करते हैं। मध्य प्रदेश के प्राचीन नाम एवं उनके वर्तमान नाम भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का पहला पॉइंट है जिसमें निजामत ए मशरिक के नाम से जाना जाने वाला शहर है सीहोर। सीहोर को निजामत ए मशरिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है महू को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे आप ध्यान रखना। अगला पॉइंट है भाभड़ा अलीराजपुर। अब देखिए भाभड़ा झाबुआ जिले के भाभड़ा ग्राम जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने जन्म लिया था, ये पॉइंट इस प्रकार जा सकता है, अगर झाबुआ या अलीराजपुर नहीं आए तो आपको धार्मिक को क्लिक करना है, और अगर अलीराजपुर आता है
तो अलीराजपुर को क्लिक करना है, या फिर झाबुआ आता है तो झाबुआ को क्लिक करना है, ये ऑप्शन पर डिपेंड रहेगा। और वैसे हम जानते हैं चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली भाभरा है, और उस प्रकार से हमें ऑब्जेक्ट देख कर क्लिक करना है। तो इसका आंसर है चंद्रशेखर आजाद नगर भाभरा को कहा जाता है। अगला पॉइंट है भोपाल को भोपाल या भोजपाल के नाम से भी जाना जाता है। काकनाबाद कहाँ पर है? रायसेन में है, रायसेन को काकनाबाद भी कहा जाता है, और रायसेन में सांची के कारण इसे काकनाबाद कहा जाता है। अगर सांची ऑप्शन में आता है सांची क्लिक करना, और अगर सांची नहीं आता है तो रायसेन पर क्लिक करेंगे। सादियाबाद, सादियाबाद मांडू शहर को कहा जाता है। कुतलपुर, कुतलपुर कोरिया को कहा जाता है, कुतलपुर कोरिया को कहा जाता है। अगला पॉइंट है विशपुरी, विशपुरी सोहागपुर को कहा जाता है, विशपुरी सोहागपुर को कहा जाता है। कपित्य, कपित्य कायथा को कहा जाता है, कायथा को कपित्य कहा जाता है। अगला पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मरहार नगरी, इंदौर और इंद्रपुर, ये तीनों नाम से जाने जाने वाला शहर इंदौर शहर है। अगला पॉइंट है धारा नगरी, धार को कहा जाता है। उज्जैनी, उज्जैनी उज्जैन को कहा जाता है। दशपुर, मंदसौर को कहा जाता है। भेलसा या बैजनगर विदिशा को कहा जाता है। गोपांचल ग्वालियर को कहा जाता है, गोपांचल ग्वालियर को कहा जाता है। त्रिपुरी या तेवर जबलपुर को कहा जाता है। श्रीपुरी, श्रीपुरी सिरपुर को कहा जाता है, याद रखिए श्रीपुरी सिरपुर को कहा जाता है। अगला पॉइंट है दिलीप नगर, दिलीप नगर दतिया को कहा जाता है, दतिया जिले को दिलीप नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये सब प्राचीन नाम देख रहे हैं हम। महेशमती, महेश्वर को कहा जाता है, महेश्वर खरगोन में है। अगर महेश्वर आता है ऑप्शन में तो महेश्वर या फिर खरगोन इसका उत्तर रहेगा। अगला पॉइंट है नरपुर, नरपुर नरवर को कहा जाता है, जो कि शिवपुरी में स्थित है। अगला पॉइंट है रवा या भता, ये दोनों नाम से जाने जाने वाला युवा शहर है, याद रखना ये भता है, भता। गढ़मंडला, मंडला जिले को जाना जाता है इस नाम से। खानदेश के नाम से जाना जाने वाला शहर बुरहानपुर में है, और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री में है। मांडवगढ़, मांडू को कहा जाता है, और मांडू धार जिले में आता है। अगर मांडू ऑप्शन में आता है तो मांडू या फिर धार को उत्तर मानेंगे। पांचालगढ़, पांचालगढ़ से जाने जाने वाला शहर पचमढ़ी है, जो कि होशंगाबाद में आता है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। गोंडवाना, मंडला को कहा जाता है, गोंडवाना क्षेत्र है। खजुरवाहा के नाम से जाना जाने वाला खजुराहो है, जो कि छतरपुर में आता है। जेचा भुक्ति के नाम से जाना जाने वाला शहर खजुराहो है, और यहाँ पे कई मंदिर है, और खजुराहो छतरपुर जिले में आता है। एरिकिल, एरिकिल के नाम से जाना जाने वाला एरन है। वत्स के नाम से जाने जाने वाला नगर या जिला ग्वालियर है, जो कि बुंदेलखंड में आता है। अनूप के नाम से जाने वाला निवार क्षेत्र खंडवा है, अनूप के नाम से जाना जाता है। टुंडीकर क्षेत्र दमोह क्षेत्र को कहा जाता है, टुंडीकर। अगला पॉइंट है शाहजहांपुर, शाहजहांपुर के नाम से जाना जाने वाला इन्हीं के नाम पर बनाया गया शहर शाहजहांपुर है। और अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है मुंडवाड़ा, मुंडवाड़ा के नाम से जाना जाने वाला शहर कटनी। इस प्रकार आज हमने लगभग 35 से ज्यादा ऐसे नगरों के नाम देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। इस प्रकार इन सारे नगरों के प्राचीन नाम याद करें और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाएं। पढ़ते रहिए एमपीजी के। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।